रियाद बिल्डिंग, जहां पे मुकेश खन्ना रहा करते हैं और यहां पे वो थर्ड फ्लोर पे रहा करते हैं। अब जूम। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो। सो दोस्तों, मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ शक्तिमान यानी बीसवीं पितामह यानी मुकेश खन्ना का घर। उनका घर कहाँ है मुंबई में और उनकी क्या आज के डेट में लाइफ स्टाइल है, जिसको हम टीवी और सीरियल में देखा करते थे। दोस्तों, आज उनका घर देखने का दिन आ गया है, तो चलते हैं और उनका घर देखते हैं और आपको दिखाते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और देख सकते हो मेरे पीछे कितना शानदार नज़ारा है यहाँ का। मैं हूँ अभी मुंबई के मरीन ड्राइव पे, तो चलते हैं उनके घर पे और आपको आज ये वीडियो में पूरा डिटेल्स आपको देंगे। वीडियो में एकदम लास्ट तक बने रहिएगा और आज के डेट में मुकेश खन्ना क्या कर रहे हैं और कहाँ कैसी लाइफ स्टाइल जी रही है अपनी, मैं उनके बारे में पूरा डिटेल्स दूंगा और उनके सोसाइटी, उनकी बिल्डिंग का नज़ारा दिखाऊंगा आपको, जहाँ पे वो आज के डेट में रहा करते हैं। चलो करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। सो गाइस, देख सकते हो आपको ये जो मैं डायरेक्शन दिखा रहा हूँ आपको, ये ही बिल्डिंग जो कि मरीन ड्राइव पे स्थित है, यही बिल्डिंग है शक्तिमान यानी मुकेश खन्ना का। और आप थोड़े दूर पे देख सकते हो, तो आपको दिखाई दे रहा होगा 1K स्टेडियम का लाइट, जो कि मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। तो 1K स्टेडियम के पास में इनका बिल्डिंग है जो कि नाम है परिजात। तो चलिए चलते हैं उनके पास, बिल्डिंग के पास में, और आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हो जूम करके मैं आपको पूरा दिखा रहा हूँ, 1K स्टेडियम का पूरा लाइट दिख रहा है और ये रहा मुकेश खन्ना का बिल्डिंग। तो चलिए चलते हैं गाइस। देख सकते हो आप, मैं भी आ चुका हूँ अभी मरीन लाइन यानी परिजात बिल्डिंग, जहाँ पे रहते हैं हमारे शक्तिमान यानी मुकेश खन्ना। तो देख सकते हो ये परिजात बिल्डिंग है मेरे पीछे और मैं आज ये वीडियो में आपको पूरा डिटेल्स देने वाला हूँ, मुकेश खन्ना जी कहाँ पे रहते हैं यानी बीसवीं पितामह कहाँ पे रहते हैं और उनका कैसा लाइफ स्टाइल है, क्या अर्निंग करते हैं आज के डेट में वो, और कैसी उनकी लाइफ स्टाइल है, कहाँ पे है और उनका घर कहाँ पे, पूरा डिटेल्स दूंगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ उनका घर और पूरा डिटेल्स देता हूँ। गाइस देख सकते हो ये रहा परिजात बिल्डिंग जो कि है मुंबई के मरीन लाइन इलाके में है। तो आपको मैं लास्ट तक बने रहिए वीडियो में, आपको मैं पूरा डिटेल्स देने वाला हूँ ये बिल्डिंग के बारे में और मुकेश खन्ना जी के भी बारे में। सो गाइस, देख सकते हो बहुत ही शानदार ये बिल्डिंग है परिजात बिल्डिंग, जहाँ पे मुकेश खन्ना जी रहा करते हैं। सो गाइस, मैं आपको बता दूँ कि आज की इनकी लाइफ स्टाइल क्या है। सो गाइस, मैं आपको बता दूँ, जैसे नॉर्मल सभी एक्टर्स रहा करते हैं उसी प्रकार ये भी एक शानदार लाइफ स्टाइल जिया करते हैं अभी भी। और मैं आपको बता दूं कि इनका एक यूट्यूब चैनल है जिसका भीष्म एंटरटेनमेंट के नाम से वो यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो आप यूट्यूब पे जाके सर्च करके आप देख सकते हो। वो चैनल पे वो अपने वर्क के बारे में। सो गाइस, ये देख सकते हो आप, ये मरीन ड्राइव, यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चालू है और ये मरीन ड्राइव के पे ही स्थित है। देख सकते हो परिजात बिल्डिंग, ये मेन रोड पे है परिजात बिल्डिंग जहाँ पे मुकेश खन्ना रहा करते हैं और यहाँ पे वो थर्ड फ्लोर पे रहा करते हैं। अब उनको जूम करके दिखाता हूँ, ये जो थर्ड फ्लोर आपको दिख रहा है ये थर्ड फ्लोर उनका ही है। मैं आपको बता दूँ, ये जो थर्ड फ्लोर है यहाँ पे फ़िलहाल मैंने सिक्योरिटी से बात किया तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे अभी वो नहीं रहते हैं, यहाँ पे उनके भाई के दामाद रहा करते हैं जो कि बेद खन्ना की लड़की के आदमी हैं, वो यहाँ पे रहा करते हैं अभी फ़िलहाल। और मुकेश खन्ना कभी कभी यहाँ पे आया करते हैं। इलाके में इनका ये फ्लोर। सो गाइस, देख सकते हो ये है परिजात बिल्डिंग जहाँ पे मुकेश खन्ना जी रहा करते थे
अभी फ़िलहाल वो यहाँ पे नहीं रहते हैं, अभी वो शायद से जुहू में रहते हैं। अंदर से कुछ ऐसा है सोसाइटी का नज़ारा। सो गाइस मैं आपको बता दूं, अगर मरीन लाइन स्टेशन से आप आते आते हो तो आपको ये ब्रिज लैंडमार्क पर आपको ये जो ब्रिज दिख रहा है ये ब्रिज दिखाई देता है। उसके जस्ट आपको फर्स्ट बिल्डिंग सेकंड बिल्डिंग छोड़ के आपको थर्ड बिल्डिंग आपको परिजात बिल्डिंग मिल जाएगा। उसके तीसरे ही बिल्डिंग है परिजात बिल्डिंग, अगर आप मरीन लाइन से अगर आप आते हो तो, या फिर गिरगांव चौपाटी से कहा कि गिरगांव चौपाटी की साइड से आकर आते हो आप तो आपको थर्ड बिल्डिंग मिल जाएगा जो कि परिजात बिल्डिंग है। और ये रहा कुछ उनके बैक साइड बिल्डिंग का नज़ारा, तो आप देख सकते हो बहुत ही शानदार बिल्डिंग है। और ये मरीन ड्राइव का रोड का कुछ ही देख सकते हो कितना बेहतरीन नज़ारा है। सो गाइस आज मैंने आपको दिखाया शक्तिमान भीष्म पितामह का रोल जिन्होंने किया मुकेश खन्ना जी का घर। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।